भैया, हमारे कंप्यूटर को आ चुकी है मौत, और ये मौत का नंगा नाच बहुत ही दिनों से चल रहा है, और इसलिए अब डिसाइड किया गया है कि खुद को एक तोहफा दिया जाए, जो कि है एक नया पीसी, जो मैं लेने जा रहा हूँ। सामान काफ़ी दिन से आके रखा हुआ है, बट शूट्स में बिज़ी था तो मैं उठाने जा नहीं पा रहा था, पर आज थोड़ा सा फ्री हूँ तो जा रहा हूँ अभी, फिर उसके बाद आते हैं एंड दिखाते हैं कि क्या क्या सामान था, कौन मैसेज किया। भाई भैया, बहुत तेज की गर्मी है, गर्मी का मौसम भी अब आ चुका है एंड और क्या था एंड भैया, अपन इस बार अपना पीसी खुद बिल्ड करने वाले हैं, तो जो भी जितना सेटअप वेटअप होगा, इंस्टॉलेशन होगा, सब घर पे किया जाएगा, और होमवर्क तो उसके लिए अपन ने कर लिया है ताकि लंबा चौड़ा नुकसान ना हो जाए। सो मन था इस बार कि भैया अपना पीसी खुद बिल्ड किया जाए एंड खुद इंस्टॉलेशन सारा कुछ सेटअप किया जाए, तो इस बार अपन दुकान से नहीं कराएंगे। सो एक नया एक्सपीरियंस हो जाएगा अपने को भी। तो भैया सामान ले लिया है और अभी बच चुके हैं दोपहर के 1:45। शाम को मुझे जाना है शूट पे अराउंड 6:30 बजे। सो देखते हैं अभी जाके टाइम मिल पाएगा असेंबल करने का कि नहीं, अगर मिल जाए तो कर लेंगे, नहीं तो फिर ऊपर वाले जाने का कब हो पाएगा। तो ना दादा, अरे बाप रे, उम्र हो गई है भाई, बहुत भारी सामान था। तो सबसे भारी ये कैबिनेट, पता नहीं कितना साला 15-20 किलो का तो कैबिनेट ही है, फुल टावर है। अब जिनको नहीं पता फुल टावर क्या होता है, ये होता है, दो मॉनिटर है, यूपीएस है, यूपीएस के पीछे एक और डब्बा है जिसमें बाकी सब है, दिखाता हूँ अभी, सांस ले लूँ। बाकी ये है अभी तक का सबसे पावरफुल, क्या बोलते हैं इसको, प्रोसेसर। ये है इंटेल का कोर i9 13900 की। सो ये हम अब यूज़ करेंगे, बाकी आइटम पे दिखाता हूँ। तो भैया अभी जीवन की समस्याएं अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, सामान तो अपन ले आए हैं पर रखने की जगह नहीं है। अपना एक ही मेन टेबल है जिसमें अपना अभी का वर्क स्टेशन जो है वो रखा हुआ है, दिखाता हूँ। सो ये है अभी अपना वर्किंग स्पेस, हालत पे मत जाओ, डस्टिंग वस्टिंग पता नहीं किस ज़माने से नहीं हुई है। तो अब कहानी ये है कि ये पीसी इससे भी बड़ा है, तो अब वो रखने के लिए इसमें जगह बनानी पड़ेगी एंड ये वाले सिस्टम को एक दूसरे टेबल में रखना पड़ेगा, जो टेबल अभी अपने पास है नहीं। अब मैं देख रहा हूँ परचेज करूँ या बनवाऊँ, विचार विमर्श चल रहा है। सो पहले तो इस पीसी को कस्टमाइज़ करके बना के इधर शिफ्ट करेंगे एंड इसको अभी अपन कुछ वक्त के लिए खोल खाल के रख देंगे जब तक अपना ये सिस्टम रखने की व्यवस्था नहीं हो जाती। तो ये भी एक कहानी है जो सुलझानी है। क्या बात है, क्या बात कही है, कितना बज गया, 2:20 तो हो ही रहा है। अभी खाना वाना भी नहीं खाया है, खाना खाऊंगा, उसमें आधा घंटा लग जाएगा, फिर उसके बाद देखते हैं। आपको ये आइटम्स वगैरह दिखाता हूँ जो भी अपन ने परचेस किया है, फिर अगर समय की इजाज़त हुई तो अपन इसको
कस्टमाइज आज ही करेंगे, नहीं तो फिर किसी दिन। One hour later. तो भैया खाना वाना तो हो गया है, समय भी काफ़ी लग गया, खाना बना नहीं था। तो खाना अब हो गया है तो अब आपको दिखा देते हैं कि अपन क्या क्या अपने आइटम परचेज़ किया है अपने लेटेस्ट पीसी बिल्ड के लिए। सो स्टार्ट करते हैं मदरबोर्ड से। तो मदरबोर्ड अपन ने लिया है एसुस, आसुस जो भी बोलते हैं लोग, मुझसे नहीं बोला जाता। उसका है ROG स्ट्राइक 7Z790E गेमिंग वाईफाई मदरबोर्ड, एंड ये है, एंड काफ़ी तगड़ा मदरबोर्ड है। इसमें है काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं जब पीसी बिल्ड करेंगे तो मैं बता दूंगा। अभी मैं खाली बस आइटम्स दिखा रहा हूँ कि अपन ने क्या क्या लिया है। रैम अपन ने ली है कोर्सर की वेंजेंस ब्लैक DDR5 56 MHz 32 GB की एक है, तो मतलब ये दो है तो टोटल ये हो गई है 64 GB। एंड मदरबोर्ड की खास बात ये है कि वो 128 GB तक सपोर्ट करता है। तो अभी अपन दो स्टिक लगा रहे हैं, अगर इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ी तो अपने पास दो स्लॉट्स खाली रहेंगे तो वहाँ पे अपन लगा सकते हैं एंड अपडेट कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ हो गई। उसके अलावा M.2 किंगस्टन की ये है 2 TB की, एंड बहुत फास्ट है, 3500 MB/s स्पीड। ये सेकेंडरी ड्राइव रहेगी इसमें, एंड फर्स्ट ड्राइव जो है वो मैं अपने पुराने पीसी से ही निकालूंगा जिसमें लगी हुई है गीगाबाइट की 1 TB की M.2। उसको मैं अभी फॉर्मेट कर ही रहा हूँ, अभी डेटा ट्रांसफ़र चल रहा है, उसको फॉर्मेट करके उसमें मैं मेन डालूंगा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड इसमें जो भी एडिटिंग से रिलेटेड डेटा रहेगा हो जाएगा इसमें। ये हो गया। और इस पूरे सिस्टम की सबसे महंगी चीज़, अरे बाबा बड़ा भारी है, MSI का 4080 16 GB ग्राफिक कार्ड, और मेरे अभी पुराने पीसी में लगा है 1070, वो है 8 GB की, उसका डबल है। सो ये बहुत ही सबसे महंगा आया है ऐसे क्या मुझे कहूँ। इसके बाद आती है पावर सप्लाई, जो मतलब पावर नहीं रहेगी तो चलेगा कैसे। तो ये है कूलर मास्टर का 1250 का पावर सप्लाई, एंड ये भी काफ़ी प्रीमियम वाला अपन ने लिया है, क्योंकि पावर सप्लाई अगर अपन ने सस्ती डाल दी तो पूरा सिस्टम बैठ सकता है। सो ये भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी आप एक कोई सिस्टम बिल्ड करते हो। ये हो गई पावर सप्लाई। ये जो प्रोसेसर है इंटेल का 13900K, ये बहुत ज़्यादा हीट करता है, क्योंकि आई थिंक 24 कोर है आई थिंक उसमें, तो हीट की प्रॉब्लम तो है उसमें। तो उसको थोड़ा ठीक ठाक टेम्परेचर पे रखने के लिए अपन इस बार लगा रहे हैं अपन 360 कूलर, मतलब इसमें 3 फैंस हैं। ये भी RGB है, तो इसमें भी आप अपना लाइट वगैरह अपने हिसाब से उसको असाइन कर सकते हो, एंड ये भी काफ़ी कॉस्टली था। अब बात आती है केस की। केस यहाँ रूम में आ नहीं पाएगा, मतलब आ जाएगा लेकिन वो खोलना वोलना पड़ेगा, तो रूम तो वो रखा है अंदर, मतलब बाहर हॉल में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भैया ये है अपना कैबिनेट, ये है थर्मल टेक का व्यू 51TG ARGB, एंड ये फुल टावर केस है। ये भी सबसे ज़्यादा तो नहीं बट काफ़ी महंगा आइटम है इस पूरे सिस्टम बिल्ट जो हम कर रहे हैं उसमें। इसमें सामने लगे हुए हैं आई थिंक 200 mm के 2 फैन, पीछे एक एग्जॉस्ट है, एंड इसमें हम टोटल 6 फैंस लगा सकते हैं, 2 3 साइड में 3 नीचे और 3 ऊपर आ जाएंगे अपने कूलर के। सामने हैं 2 200 mm के, एक पीछे लग जाएगा एग्जॉस्ट, तो काफ़ी हम इसको कूल रख सकते हैं।
तो ये कैबिनेट मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि सेम रीज़न, प्रोसेसर काफ़ी हीट करता है तो उसमें एक अच्छा एक एयर फ्लो होना चाहिए, तो उसकी वजह से हमने ये परचेज़ किया है, तो ताकि हीटिंग की बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। एंड ये है अपना UPS साइबर पावर का, आई थिंक ये है 1500 वॉट और इसमें काम अपना हो जाना चाहिए, नहीं तो अपन ये चेंज कर देंगे। इस बार अपन डबल सिस्टम पे, सिस्टम नहीं डबल स्क्रीन पे काम करेंगे। पहले लास्ट टाइम एक तो ये फोकस इतना आवाज़ करता है, मैनुअल पे डाल दो। अब ठीक है, तो जो मेरा पुराना पीसी है उसमें कर्व्ड स्क्रीन है, आई थिंक 27 या 32 इंचेस की है, मुझे याद नहीं है, बहुत पुराना है, 2016 में लिया था, तो थोड़ा सा लाइट भी हो जाए। तो वो था, उसमें भी काम हो जाता है, अच्छा हो जाता है, बट इस बार सोचा कि थोड़ा डबल स्क्रीन पे काम करके देखा जाए। तो अपन ने परचेज़ किए हैं BenQ का, ये जो भी मॉडल है अभी स्क्रीन में आ जाएगा, ये इसका नाम है। ये है 4K 32 इंचेस के दो मॉनिटर हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं जो भी क्रिएटर्स होते हैं, क्योंकि इसका जो कलर्स हैं स्क्रीन का वो काफ़ी एक्यूरेट है। जब भी आप कलर करेक्शन करते हो, फोटो एडिटिंग करते हो, तो उसमें ये काफ़ी चीज़ें मायने रखती हैं। तो ये अपन ने इसलिए परचेज़ किया है ये वाले दो मॉनिटर, ये भी काफ़ी महंगे आए हैं दो, सो ये हो गए दो मॉनिटर, तो इनको भी रखने के लिए अब जगह बनानी पड़ेगी, बहुत काम है यार। एक कहानी हो गई है,